नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबर दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद अब सरगर्मी शुरू हो चुकी है लोकसभा चुनाव की। 24 चुनाव महत्वपूर्ण है और यहां पर बीजेपी अपनी हैट्रिक की बात करती नजर आ रही है और बीजेपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस बार हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत कर आएंगे। खैर, सीटें जीतेंगे नहीं जीतेंगे, कितना जीतेंगे, वो फिलहाल भविष्य के घर में नहीं थे, पर यहाँ पर रणनीति बड़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर सजाई जा रही है। यहाँ एक तरफ बीजेपी भी रणनीति सजा रही है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की पटकथा पर एक अलग तरह की राह अपनाती नजर आ रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर और रणनीति बेहतर तरीके से जनता तक पहुँचाने के लिए बीजेपी यहाँ पर जानकारी के मुताबिक जनता से संवाद स्थापित करने के लिए, अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को बताने के लिए जनता से जनसंपर्क अभियान शुरुआत करने वाली। अभियान 30 मई से 30 जून तक चलेगा और यह भी कहा जा रहा है कि इस दौरान 1 जून से और 30 जून तक यहां पर लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां भी होंगी, जनसभाएं भी होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम सब बड़े नाम यहाँ उत्तर प्रदेश की धरा पर अपनी व्यवस्थाओं को जायजा लेने, रणनीति बनाने और जनता से संपर्क कर 24 की रणनीति को पुख्ता करने के लिए आने वाले हैं। तो वही चर्चा यह भी है कि आने वाले समय में बीजेपी तमाम बड़ी नामों को यहां पर लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। सीटों की अगर बात करें तो यह कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी तमाम सीटों पर, अगर हम बात करें रायबरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, धौरहरा, पीलीभीत, कानपुर जैसी सीटों पर यहाँ पर अपने अन्य नामों को आजमा सकती है। नामों की बात चले तो यहाँ पर रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह, जो कि वर्तमान में उद्यान मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका नाम भी चल सकता है। और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बात भी चल रही है, पूर्व मंत्री हरीश्वर सिंह की बात भी चल रही है, सरबमणि त्रिपाठी की बात भी चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम बड़े नामों का यहाँ नाम कट भी सकता है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि मथुरा से सांसद हेमा मालिनी का टिकट भी इस बार कट सकता है और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि शायद पूर्व में विद्युत ऊर्जा मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में श्रीकांत शर्मा, उनका इस बार शायद लोकसभा क्षेत्र में टिकट मिल सकता है। तो भाई, अखिलेश यादव भी बीजेपी पर लगातार अपने कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं और आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी के पास अब सांसद और विधायकों का काम नहीं बचा, इसलिए अन्य जिलों के मंत्रियों को बुलाकर आप जनता के अभियान को चलाने जा रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे। चर्चा में से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर अगर रणनीति बेहतर रहेगी तो परिणाम आपको मिलेंगे। और यहाँ पर चर्चा के लिए मेहमान रूबरू करा दूं, प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में सुनील त्रिपाठी भाई अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा प्रवक्ता भाजपा से। विवेक भाई, तमाम बड़े नामों को यहाँ पर लोकसभा चुनाव में आजमाने की बात कही जा रही है, चुनाव महत्वपूर्ण है, आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं, 80 लोकसभा सीट जीतने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के रास्ते ही हम दोबारा यानी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं केंद्र में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमाम बड़े नाम हैं जो कि चुनाव हार भी चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिन मंत्रियों की और जिन जगहों की हम बात कर रहे हैं वहाँ प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों की बात करें तो तमाम बड़े नाम हैं, केंद्रीय मंत्रियों के तमाम बड़े नाम हैं जहां पर निकाय चुनाव में उनके बाढ़ तक लोग हार गए, बाढ़ में हार गए, नगर पालिकाओं में हार गए। तो ये समीकरण, ये जो प्रयोग है, ये कहां तक सफल होने वाला है? विवेक श्रीवास्तव, जी दल की कितनी तैयारी है, लेकिन इसमें हार जीत से जी आप राष्ट्रीय चुनाव या लोकसभा चुनाव के बारे में कोई फैसला नहीं करते जी। लोकसभा चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं। अच्छा, और राष्ट्रीय मुद्दों में देखा जाता तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में कोई दल दिखता नहीं है। ऐसे राज्यों में जहां हमारी सरकारें नहीं भी रही, चुनाव हम हारे,
वहां भी जनता ने राष्ट्रीय मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को ही अपना आशीर्वाद दिया, इसके उदाहरण है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आप नगरीय निकाय के इन वार्डों के या इन नगर पंचायतों के परिणाम से चर्चा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। लोकसभा की सीट में कहीं कहीं 5-5, कहीं कहीं 4, कहीं और ज्यादा विधानसभाएं शामिल होती हैं, और सम्मिलित मतगणना के बाद जब देखिएगा तो वहां भारतीय जनता पार्टी का वोट आपको अन्य दलों से ज्यादा दिखाई देगा, और उसी ताकत के भरोसे भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प लेती है कि हम 80 की 80 सीटों पे विजय पताका फहराएंगे। और ये संकल्प कोई ऐसी कमरे में बैठकर के लिया गया संकल्प नहीं। अगर हम कहते हैं कि रायबरेली हम अपनी कांग्रेस से छुड़ा लेंगे, इसके लिए हमारी पिछले 2 साल की मेहनत है हमारे संगठन की। नरेंद्र सिंह तोमर जी प्रभारी बनाए गए रायबरेली के, लगातार उनके दौरे चल रहे हैं रायबरेली के। हम लोग के बड़े भाई लखनऊ संगठन में जिनका हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त होता रहा, वीरेंद्र तिवारी जी, उनको प्रदेश संगठन से वहां का प्रभारी बनाया गया। लगातार महीने में वो 3 दौरे उनके रायबरेली के चलते रहते। बूथ बूथ की संरचना को हम मजबूत करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता, संगठन लड़ता है, और संगठन जिसको भी मैदान में उतारता है उसको जिताने के लिए हम सब लग जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है और हम खिलाते हैं, जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है। देश ही नहीं, हर जगह प्रदेश की पूरी जनता को विश्वास कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देश सुरक्षित है, और देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। उनकी विश्वसनीयता किसी भी दल के नेता से सर्वाधिक है, और जनता में उनकी स्वीकारता सर्वाधिक है। उनके नेतृत्व में हम 2024 का लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। संगठन मजबूती से हमारे इस कार्य पे लग चुका है। प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, चयन की हमारे लंबी प्रक्रिया है। यहां से नाम जाएगा, दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड से इसके निर्णय होते हैं, तो उनको सब लोग जिताने में लग जाते हैं। मैं किसी प्रत्याशी के नाम की चर्चा में नहीं उलझूंगा, ये निर्णय हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही इस पर निर्णय लेने के लिए कोई इस पर चर्चा करता है उचित नहीं है। हाँ, ये हम जानते हैं कमल का फूल वहां खिलेगा और कमल ही जीतेगा जी। पर विवेक भाई, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने यहाँ तमाम बातें कहीं, निकाय चुनाव अलग है, विधानसभा चुनाव अलग है, बिल्कुल मानते हैं और स्वीकारते हैं इस बात को, मुद्दे अलग रहते हैं, चुनाव अलग रहते हैं, पर 2014 में जो रथ था उसके बाद 19 में सीटें कम हुई, तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि जो 14 से आपकी एक जो मजबूती हुई थी 19 में कोई कम हुई और 24 में आप और कम हो जाए, कि यहाँ पर 80 की बात तो आप कर रहे हैं, आप 80 बात तो हमेशा करते हैं। जी चर्चा के दौरान आप विस्मित हो गए जी। 2014 से 19 में सीटें ज्यादा आई। हाँ, लोकसभा में। अच्छा, 2014 के बरस पर 2019 में लोकसभा में सीटें हमारी बढ़ी। अच्छा, और आप विधानसभा लोकसभा सबको एक घाल मिल करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हम क्या कोशिश कर रहे हैं भाई, हमने क्या हमने कोई बात ही नहीं की। हमने तो केवल ये कहा कि निकाय चुनाव में आपको यहाँ पर आपको जानकारी होगी विवेक भाई, मैं यहाँ पर वोटर तो वही है, चीजें वही है, मुद्दे अलग होते हैं, वोटर तो वही है ना, और वही वोटर ने देखा है। आपको ये भी जानकारी बता दूं कि इस बार आपका वोट परसेंटेज निकाय चुनाव में निर्दलियों से भी पीछे रहा है। निर्दलियों को 33.75% वोट मिला है, आपको 32.11% वोट मिला है, तो पीछे तो आप रहे हैं। देखिए गौरव जी, जब उन निर्दलियों को गौर से देखेंगे तो उसमें कुछ लोग हमारे ही दल से निकल करके मैदान में आए होंगे। अच्छा, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, विषय आपका दूसरा है जी। हमारा सीट लोकसभा में बढ़ती जा रही है।
अच्छा 14 से ज्यादा अब 19 में पाए जी, और 19 से ज्यादा 24 में पाएंगे। अच्छा 24 में पाएंगे, तय। अच्छा बिल्कुल तय। अच्छा रविन भाई, 24 में 19 से ज्यादा पाएंगे, ये दावा हो गया है यहाँ पर विवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव का। अब पाएंगे या नहीं पाएंगे भविष्य के गर्भ में नहीं थे, आपकी क्या राय है और आप किस तरह देखते हैं 24 चुनाव को? देखा यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी तमाम मंत्रियों पर इस बार दाव लगा सकती है। चुनाव लड़ती है तो उसको अपेक्षा अधिक से अधिक करनी चाहिए जी, तो कोई खराब नहीं है। लेकिन मैं पिछले 4 चुनाव का विवरण दे रहा हूँ आपका, दिल्ली थोड़ा सा आवाज तेज करा दीजिए नवीन जी की। दिल्ली एनसीडी जी बुरी तरीके से चुनाव हार गए जी, कर्नाटक बुरी तरीके से चुनाव हार गए जी, जनंदर लोकसभा जी बुरी तरीके से चुनाव हार गए जी, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव जी अब तक का उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन जी, 30-31% के बीच में वोट मिला है। ऐसा हुआ क्यों है जी? क्योंकि जी ये पार्टी कैडर की पार्टी थी, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। अच्छा, लेकिन इस कैडर की पार्टी में एक व्यक्ति ने जी अपने को लोकसभा में कहा कि मैं जी, या भारतीय लोकसभा में और भारतीय लोकतंत्र में कभी भी नहीं हुआ था जी, और उसने जनहित के मुद्दों की अनदेखी की, ठीक है, मैं करने के लिए जी धार्मिक उन्माद की राजनीति किया जी, झूठ का पिटारा खुला उनका जी। जब पूछा गया कि भाई 2 करोड़ रोजगार जी, तो 2 करोड़ नौकरी तो कहा नहीं रोजगार है जी, 15 लाख रुपया तो कहा गया कि नहीं नहीं ये तो जुमला था जी, किसानों की आय दुगनी 22 में तो कहा गया कि नहीं नहीं ये तो अगले 10 साल बाद हो पाएगी। अच्छा फिर चौथा मामला आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में चुनी हुई सरकारों का बहुत खरीद फरोख्त किया। अच्छा तो इसकी नाराजगी दिखाई पड़ी और आज हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी घट के 5 राज्यों तक सीमित हो चुकी है। अच्छा जहां पर उसकी अपनी फुल फ्लैश सरकार है जी, तोड़ फोड़ वालों को मैं इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ जी। अब अगर यही परफॉर्मेंस है और इसके सिवा हमको ये कल्पना करना है कि ये तो चुनाव हम हार रहे हैं लोकसभा में जीत जाएंगे जी, तो ईश्वर करे ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है जी। अब मोदी सरकार, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, ये मोदी सरकार की उपलब्धियों पे लड़ा जाएगा जी। मोदी सरकार की उपलब्धियां क्या है जी? रुपया भारत की राजनीति में निम्नतम स्तर पे है जी, 82-83 के इर्द गिर्द रहता है जी। विदेशी कर्ज बढ़ के 613 अरब डॉलर हो गया है जी, मतलब हर भारतीय पे 1 लाख का कर्ज है जी। आयात निर्यात घटा जी, ये बता देता है कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। 122 अरब डॉलर का आयात निर्यात घटा है अकेले जी, मतलब आप प्रोडक्शन नहीं कर पाए। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया करके, लेकिन आप प्रोडक्शन नहीं कर पाए जी। इस 122 अरब डॉलर में से केवल एक देश जिसको हम दुश्मन दुश्मन बोलते हैं खाली खाली चीन के साथ से है जी। जरा एक बार कल्पना कर लीजिए कि ये जो चीन से हमें आयात हो रहा है, अगर वो आयात बंद हो जाए तो हमको पेन 100 रुपए में मिलेगा। बिल्कुल, लाइटें हमें जो हम 100 रुपये को पा जाते हैं 500 रुपए में मिलेंगी जी, क्योंकि क्या होगा यूरोपियन कंट्री से लेना पड़ेगा। फिर अंतरराष्ट्रीय मानकों पे जो बेइज्जती हुई है भारत की, वो आज तक कभी भी नहीं हुई। अच्छा, अभी जहां से आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं जी, तो वहां 3 देशों के समूह मिले थे जी, एक क्वाड के जिसपे हम मेंबर हैं, एक G7 के जिसके हम मेंबर नहीं है जी, लेकिन दुनिया का सबसे समृद्ध समूह है जी, और फिर हिंद प्रशांत के 14 देशों से मिले थे जिसमें फिजी को छोड़ के सब चीन के समर्थक हैं जी, वो जो पैर छू रहा था वो भी चीन का समर्थक है जी। तो जब यहां से हम लौट के आते हैं तो हमने कोई मुद्दा नहीं उठाया कि आपने जितने भी मानक अंतरराष्ट्रीय तय किए हुए हैं सब में हमको नीचे कर रखा है। फ्रीडम इंडेक्स, स्वास्थ्य इंडेक्स, ह्यूमन इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स जी, और तो और जो क्वाड देश का, मतलब 4 देश का समूह है जिसमें अमेरिका मेंबर है, हम भी मेंबर हैं जी, उसने हमको अफगानिस्तान के साथ वॉच लिस्ट में रख रखा है।
तो अगर अगर ये परफॉर्मेंस है मोदी सरकार की जी, तो भारत की स्थिति तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ना तो उत्पादन में अच्छी है, कर्ज हमारे ऊपर ज्यादा है जी, हमारी हमारी बेइज्जती हो रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन मोदी जी का कद बढ़ता चला जा रहा है, यह प्रश्न उठा रहा जनता में और इसी का यह परिणाम है कि घट के 5 स्टेज तक आ गए हैं जी। आगे हम शुभकामनाएं देते हैं भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लिए। शुभकामनाएं कौन सी, ये शुभकामनाएं अच्छी वाली है कि खराब वाली है? शुभकामनाएं हमेशा अच्छे 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 मस्त दिया जाता है, हम उतना सरकार सरकार बनाने के लिए दे रहे हैं, सरकार जाने के लिए। नवीन भाई मैं ये नहीं कह सकता हूँ, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में जनता फैसला करती है। अच्छा अच्छा, ना तो मैं कर सकता हूँ ना भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। विवेक श्रीवास्तव, अभी आपसे चर्चा हुई थी, मैं आपकी आवाज को सुन नहीं पाया था, तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 71 सीटें जीती थी उनके गठबंधन ने, आपको याद दिला दूं, और 19 में 62 सीटें जीती थी बीजेपी ने। मैं आपको बता दूं, नहीं आपकी मुझे आवाज स्पष्ट नहीं आ पाई थी, तो 14 से आपका 14 से आपका जनमत कम हुआ है विवेक भाई, 14 से जनमत कम हुआ है जी। मैंने लोकसभा की बात बताई है, मैं लोकसभा की बात ही कर रहा हूँ, मैं लोकसभा की बात ही कर रहा हूँ, 71 सीटें जीते थे, 71। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको जी, 2014 में लोकसभा में हमारी जो सदस्य संख्या थी जी, 2019 में उससे ज्यादा सीटें हमारी आई। ज्यादा कहाँ आई है बेबे भाई, बता दीजिए, 2014 में 71 सीटें आई थी आपकी, आपके गठबंधन की, 14 और 19 में कम हो गई है। 2014 हाँ 14 ही गिन रहा हूँ मैं, 2014 लोकसभा चुनाव में जी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सदस्य संख्या देख लीजिए हाँ, और फिर 2019 में देख लीजिए जी। नहीं मैं देख के ही पूछ रहा हूँ आपसे जी, मैं आपकी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ भैया, मैं उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ जी, लोकसभा चुनाव है गौरव जी, ये पूरे देश से सांसद चुन के आते हैं जी। मैंने यही कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जितना अपना आशीर्वाद दिया था हाँ, उससे ज्यादा नहीं, वो ठीक है, वो 14-19 की, मैं पर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में चूंकि यहाँ पर आप तमाम मंत्रियों को लड़ाने जा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश में चूंकि आप यहाँ पर 80 सीटों की बात कर रहे हैं, जीतने की बात कर रहे हैं, तो 14 में आपकी 71 सीटें आई थी और इस बार आपकी सीटें कम हुई है, तो कहीं ना कहीं आपका जनमत यहाँ पर कमजोर हुआ है, 80 सीटों का जो आंकड़ा छूने की बात कर रहे हैं वो कैसे छुएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका ग्राफ कम हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको यहाँ पर लोकसभा में स्पष्टीकरण के हिसाब से आपको सीटें नहीं बढ़ाई हैं, बीएसपी यहाँ पर 10 सीटें जीत कर आई थी, जबकि 14 में बीएसपी कुछ नहीं मिला था जी। देखिए 2014 में बीएसपी शून्य थी जी, 2019 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन का लाभ बहुजन समाज पार्टी को मिला। अच्छा, हालांकि बहन मायावती जी इसको नहीं मानती है। अच्छा, और वो 10 सीटें लेने में कामयाब हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 की 5 ही रही। अच्छा, और 5 में भी उपचुनाव में अब उनके पास 3 बची हैं। 3 बची हैं, 2000 रामपुर आजमगढ़ हार गए हैं जी। जी सुनील भाई, हमारा ये कहना जी, है, मैं थोड़ा कंफ्यूजन आपको रहा, आप पूरे देश की बात कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था जी। जी जी, ठीक है सुनील त्रिपाठी, सुनील भाई जी भाई, 80 सीटों का दावा, 80 सीटों का दावा, कहाँ तक पहुंचेंगे? तमाम पुराने नामों को काटने की कवायद चल रही है और नए नामों को जोड़ेंगे, और इस बार रणनीति बड़ी महत्वपूर्ण है जी। आपने देखा होगा कि जिसका नाम मीडिया के सुर्खियों में आ गया भाजपा में, अच्छा, उसको भाजपा ने टिकट नहीं दिया है, ये अपना मानना है जी। अभी आपने चुनाव में देखा पिछले जी नगर निगम के, जिन जिन लोगों का नाम चर्चा में रहा वो साइड हो गए। पिछले चुनाव में देखा आपने, बोल दिया करिए जी, बोलिए, भाजपा की जी अच्छी जीत हुई जी, पहले सरकार में भाजपा ने 13 महापौरों पे नगर निगमों में कब्जा कर लिया जी, और लोकसभा में देखिए, लोकसभा में मेरा ये मानना है कि अब समाजवादी पार्टी का भी
वर्चस्व कहीं कहीं बढ़ा, भले ही स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की सीटें बढ़ी हैं, क्योंकि शहरी मतदाता सबसे ज्यादा भाजपा का है। अच्छा, लेकिन समाजवादी कैसी बात कर रहे हैं सुनील भाई, शहरी मतदाता भाजपा कैसे हो गया? 36% वोट पर 36% वोट पर राजधानी लखनऊ का मेयर चुना जाता है, और शहरी अगर वोटर भाजपा का होता तो वोट परसेंटेज बढ़ के आता, परसेंट बढ़ के क्यों नहीं आया सुनील भाई? केवल मेयर से मत देखिए ना जी, देखिए नहीं मेरी मेरी बात सुन, 36% वोट को आप बात कर रहे हैं, कितने परसेंट वोटर वोट डालने जाते हैं इस पे भी आप गौर कीजिए जी। मेरा मानना 25% तो वोटर निकलता नहीं है। अच्छा, और अभी भी मेरे भाई जो हमारी जनसंख्या काउंटिंग होती है उसमें कुछ लोग देहात से भी जुड़े हैं, कुछ लोग शहर से भी जुड़े हैं जी। 10% लोग तो अभी भी हैं जिनके आधार कार्ड और निर्वाचन कार्ड अलग अलग बने हुए हैं जी। तो मतदाता वोट डालने जाता ही नहीं है ज्यादातर, यही कारण 50% 60% ज्यादा वोटिंग नहीं होती है जी। क्योंकि मतदाता भी देख रहा है कि सच्चाई तो ये है कि चाहे वो जो राजनीतिक दल हो, जनता जुड़ने के बाद सभी दल जनता से अलग होते हैं। अभी आपने देखा कि राजधानी में जैसे ही महापौर के पद पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए, उसी बात से दौर शुरू हो गया जी। कि टैक्स, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या जी? बोलिए बोलिए बोलिए। नगर निगम का टैक्स दूना कर दिया जाएगा जी। तो जनता ऐसी परिस्थितियों में क्या वोट डालने जाए, वो जान नहीं है कि जीतने के बाद। सुनील भाई, सुनील भाई, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, पर चूंकि आपने केवल ये बात कही कि शहरी वोटर भाजपा का वोटर है, तो अगर शहरी वोटर भाजपा का वोटर होता तो यहाँ वोट परसेंटेज बढ़ता। देखिए यहाँ पर जीत जो हासिल हुई है वो 36 से 40% वोटिंग हुई है मेयर के चुनाव में, वो कहीं ना कहीं आप ये व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है, ये लोकतंत्र के महापर्व पर प्रश्न चिन्ह है कि इतने कम वोटिंग परसेंटेज में मेयर चुन लिया गया है। क्या करें जब जनता का रुझान ही नहीं रहेगा जी, वोट डालने जाएगी नहीं। और जनता, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, जनता ने देख लिया है कि जीतने के बाद भी कोई उसके पास नहीं जाता, हारने के बाद भी कोई नहीं जाता है जी। जीतने के बाद ये सवाल होता है कि अगर किसी मंत्री महोदय से आप मिलना चाहो जी, तो हम मीडिया वालों के लिए समय नहीं है जी। जनता के लिए समय कहाँ रखा है? अच्छा, इसलिए जनता इन चुनावों से निराश हो चुकी है। अच्छा ठीक है, और 40% तो 50% सुनील भाई आपको क्या लगता है जो निराशा जो इनको नजर आई जनता को लोकतंत्र के महापर्व में, यहाँ पर जो निराशा नजर आई है, जो निर्दलीय प्रत्याशियों का परसेंटेज बढ़ा है, बीजेपी का परसेंटेज कम हुआ है, विपक्ष का परसेंटेज बीजेपी से भी कम रहा है, बड़ी संख्या में जमानत जब्त हुई है, क्या मानते हैं कि 80 जो सीट की यहाँ दावा बीजेपी कर रही है ये जीत पाएगी? सुनील भाई सिंगल स्टेटमेंट, 80 सीटें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी इस बार नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी, मैं बहुत छोटा पत्रकार हूँ, लेकिन आप चुनाव बाद देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने महापौर चुनाव में भी आपके राष्ट्रीय चैनल से कहा था कि 14-12 के बीच भाजपा आएगी, खैर सौभाग्य 17 सीटों निकल गई जी। और आज मैं फिर आपके चैनल से कह रहा हूँ जी, बहुत छोटा पत्रकार हूँ, ज्यादा से ज्यादा विवेक जी का दावा अगर 60 पहुंच जाए तो बड़ी बात है। लीजिए विवेक भाई, देखिए 19 से भी कम चले गए आप, 60 बोल दिया सुनील भाई ने। सुनील भाई बोला 60 पहुंचेगी जी। सर छोटा पत्रकार हूं मैं, अनुमान, क्योंकि जनता की कई समस्याएं भी ऐसी हैं जी, स्वास्थ्य सेवाएं। विवेक भाई जवाब देता हूं, उत्तर प्रदेश की, ठीक है विवेक भाई, 2014 में 71, उसके बाद 19 में 62 सीटें, बाद में दो और बढ़ गई 64 हो गई, और उसके बाद यहाँ पर सुनील भाई जो त्रिपाठी पत्रकार, उनका कहना है कि 60 पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, आप आज यहाँ 80 का दावा कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, कि सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनका अपना मत है। अच्छा, अपना आकलन मत है, ठीक। मैं उनके मत में तारीफ करते तो स्वीकार कर लेते, तारीफ करते सुनील भाई स्वीकार कर लेते। मैंने उन, मैं देखिए जी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, उनका अपना मत है जी। हम भारतीय जनता पार्टी की संगठन की वो ईंट है जी, हमारे कंधे पे हमारी मीनारे स्थित है, हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के उस लक्ष्य के लिए प्राण पण से लगेंगे जी। और 80 सीट का लक्ष्य जो हमें मिल रहा है जी, उसे हम हासिल करने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। अच्छा, लोकतंत्र में गौरव जी जनता जनार्दन होती है। अच्छा अच्छा, जनता जिसे अपना आशीर्वाद देगी वो लोकसभा में पहुंचेगा। अच्छा,
हमें 80 का लक्ष्य है, हमने 80 का लक्ष्य लिया है, उसके लिए हम लगे हुए सालों पहले से लगे हुए, कोई आज से नहीं लगे गौरव जी। अच्छा अच्छा, अगर हम 80 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, ये कोई हवा भी नहीं है। हम अगर कहते हैं जबकि कांग्रेस से रायबरेली भी छुड़ा लेंगे, अच्छा, तो उसके लिए पूरी जिम्मेदारी से हम 2 साल से लगे हुए हैं। अच्छा, हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर अमेठी जीता गया है तो स्मृति ईरानी जी के परिश्रम के साथ साथ संगठन क्या वहां पसीना बहा है। अच्छा, राहुल गांधी अपनी पुश्तैनी सीट को ऐसे नहीं छोड़ कर के केरल चले गए। अच्छा अच्छा, यहाँ सुनने में आ रहा है कि स्मृति ईरानी का भी टिकट यहाँ कट सकता है अमेठी से। ये सब कल्पनाएं हैं, चर्चाएं हैं, मैं संगठन का सिपाही हूँ। अच्छा अच्छा, मैं इन चर्चाओं में विश्वास नहीं करता। मैंने सुना नाराजगी, उनके खिलाफ अमेठी में जाती नहीं है, वहाँ पर सुना है ऐसा कुछ नहीं, वो आती जाती रहती है। ये चर्चाएं हैं, चर्चाओं का कोई ओर छोर नहीं होता। अच्छा, स्मृति ईरानी जी हमारी वरिष्ठ नेत्री है, अच्छे से उनका मंत्रालय का काम चल रहा है। जो 80 सीट जीतने का दावा चर्चा है कि मजबूती है, ये भी तारीफ रमन भाई। 80 सीट जीतने का हमारा संकल्प, संकल्प चर्चा नहीं है। और इससे एक एक कार्यकर्ता प्राण पण से इस संकल्प को हासिल करने में लगेगा। ठीक है, और ये लक्ष्य हासिल होगा। ठीक है, होगा। इसके लिए हम सालों से लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये कोई हवा में दिया हुआ या लिया हुआ लक्ष्य नहीं है, इसके लिए हमने काम किया है। अच्छा, और देखिए, हमने फिर कहा कि हमारे यहाँ प्रत्याशियों का चयन के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड अधिकृत है जी, वो जिसे मौका देगा वो चुनाव लड़ेगा। बाकी सब जगह हम लोग लगते हैं और हमारा संगठन का कार्यकर्ता केवल कमल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रविन भाई, रविन भाई जवाब देंगे। रविन भाई बोलना संकल्प है हमारा, 14 से 19 में कम हो गए, और आप बोलना है कि इस बार 80 सीटें जीत कर आएंगे, संकल्प ले लिया है उन्होंने, कह रहे चर्चा नहीं संकल्प है, कैसे रोकेंगे इनके विजय अभियान को जी? के बात वाला फिगर आपने नहीं बताया जी, 219 में तो 9 सीटें कम हुई थी जी, 2022 में 57 सीटें कम हो गई जी विधानसभा में जी, सीधा प्रभाव पड़ेगा लोकसभा पे। अच्छा, क्योंकि चलिए मान लीजिए इनकी सरकारें बन रही हैं, मैं सहमत हूँ, ये वास्तविकता भी है, इसको कोई नकार नहीं सकता जी। इनके सीटें देख लीजिए, वोट परसेंटेज देख लीजिए, घटता चला जा रहा है जी। अब अगर घटते वोट परसेंटेज को अगर आप ढकना चाहे कि हमारी सरकार बन रही है जी, उसका परिणाम 2024 में आएगा। अच्छा, क्योंकि जो भी राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव हुए हैं, मैंने तो केवल 4 चुनाव बताए थे, उससे पहले भी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा छोड़ के कहीं भी नहीं है, दो सीटें हैं जहां पर है। तो किसी भी तरीके संकल्प देखिए, संकल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, संकल्प 80 सीटों का ले रहा है, मैं ही स्वागत करता हूं। हम भी संकल्प ले रहे हैं, हम तो 5 ही सीट पे है ना, हम संकल्प ले रहे हैं कि हम 50 सीट लेके आएंगे। 5 पे भी नहीं बचे 3 पे बचे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं भाई, 3 पर हैं, लेकिन 5 पे भी नहीं है 3 पर बचे हैं। रामपुर आजमगढ़ चली गई आपकी जी जी, हाँ ठीक है, ठीक बात है, वो चली गई। संबल मुरादाबाद और मैनपुरी बची जी, हाँ 3 सीट, अब हम 3 सीट पे है तो हम संकल्प कर रहे हैं 50 सीट लेके आएंगे जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। राजनीतिक पार्टियां अपना संकल्प ले सकती हैं, और अगर संकल्प नहीं लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 1952 से लेके अब तक आगे शासन में आ गई, ठीक है आने में 74 साल लगा जी, लेकिन आज आई है ना 300 सीटें लेके जी। संकल्प ऐसे बनता है, संकल्प चलता रहता है। रमन भाई पर ये बोल रहा है कि रमन भाई ये लोग बोल रहे हैं कि लगातार काम कर रहे हैं, आज काम नहीं कर रहे हैं, उसी काम का हमको आने वाले 24 के चुनाव में परिणाम मिलेगा, हम लगातार जनता के बीच में उनके लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। तो जनता के बीच में काम जी, बीच में काम कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, हाँ आदरणीय मोदी जी तो मैंने बता दिया, अब आप इसमें आपको कुछ भी जोड़ना हो तो आप जोड़ लीजिए। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर ना तो आप प्रोडक्शन कर पाए जी, ना अपना आयात बढ़ा पाए जी, ना अपना निर्यात बढ़ा पाए, कोई भी काम तो ऐसा नहीं किया इससे जनता को फायदा हो। अब एक बात ये लोग कहते हैं सड़क बन गई है जी, लेकिन अगर उस सड़क पे आप चलिए तो आपको कितनी पीड़ा होगी तो आप जानिएगा जी,
लखनऊ से दिल्ली तक आते हैं हम तो 1000 रुपया देना पड़ता है जी। लेकिन वो सड़क बनी किस कॉस्ट पे है जी? जो हमने उधार लिया है अंतरराष्ट्रीय मार्केट से उसकी कॉस्ट पे बनी है जी। जो 613 अरब डॉलर हमने उधार लिया हुआ है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर हम इतना अच्छा काम कर रहे थे तो भारत सरकार के जो एसेट्स हैं उसको बेचने की क्या जरूरत थी? विवेक श्रीवास्तव, क्यों जरूरत पड़ी भाई? विवेक श्रीवास्तव जी, पोर्ट आपने दे दिया जी, हवाई अड्डे दे दिए प्राइवेट को, स्कूल प्राइवेट को दे दिए, अस्पताल प्राइवेट को दे दिए, सब पीपीपी मॉडल पे जा रहे हैं डिफेंस की जी, सब पीपीपी मॉडल पे दे रहे हैं तमाम चीजें हम देख रहे हैं रमन भाई। रेलवे और डिफेंस की जमीन बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं जी। तो अगर इतना विकास हो गया था जी तो आखिर ये क्या करने की जरूरत है जी? विवेक श्रीवास्तव, विकास इतना हो गया तो बेचने जरूरत क्यों पड़ गई? विकास बहुत कर रहे हैं जी। गौरव जी जी, पहली बात तुम स्पष्ट कर दो, कोई चीज बिकी नहीं है। अच्छा, बिकी नहीं है, ठीक है। हवाई अड्डे की बात करते हैं जी, उसमें सरकार का जो खर्चा होता था उसके मेंटेनेंस पे, अच्छा, अब सरकार को उसमें पैसा मिल रहा है। अच्छा, तो जहां सरकार का पैसा जाता था, जनता के टैक्स पेयर का पैसा जहां जाता था जी, वहां सरकार को पैसा आ रहा है जी। और उस आए हुए पैसे का परिणाम ये है कि आज हम राफेल खरीद रहे हैं, सेना की सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी हो रही है, आज हम लखनऊ में से शुरू करके डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं जी, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन भी यहाँ शुरू करने की स्थिति में हम आ चुके हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब देश की सुरक्षा और विकास के लिए जो कुछ आवश्यक है, चाहे नए विकास के कार्य हो, चाहे नए संसाधन हो, चाहे तकनीकी संसाधन हो, चाहे रक्षा उपकरण हो, आज सारे मोर्चों पे भारत नंबर वन होता जा रहा है। अच्छा, ये बिना हमारे आपके टैक्स के पैसे के संभव नहीं है। इसमें हमारा आपका भी योगदान है और सरकार की वो नीतियां जो इन उपकरणों में पैसा जाता था उसको रोक करके इन उपकरणों से अब सरकार को पैसा आ रहा है, सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक होती जा रही है और उसका परिणाम मुझे पता है जी, विवेक श्रीवास्तव को बताइए, मुझे पता है इसरो एनडीआरडीओ जी, जो सबसे संवेदनशील स्थान है भारत के, इसमें एक प्राइवेट कंपनी है जी, जो भारत के देखरेख में काम, भारत सरकार के देखरेख में काम करती थी जी। और अब क्या है, मैं अडानी की एक कंपनी को गुजा दिया गया जी। उस अडानी की कंपनी का जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो चाइनीज है जी, सारे काम इसरो और डीआरडीओ के करता है वो जी। और उसके उसके कंपनी का पता भी अडानी जी के नाम, अडानी जी के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। अच्छा, आपने तो दे दिया, डीआरडीओ और इसरो का काम तो नहीं बाहर से होता था। फिर जो सुरक्षा के जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जी, सी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं जी, वो भी तो आपने दे दिया जी। इतने आप अयोग्य थे कि आप अपना सी पोर्ट, एयरपोर्ट और डीआरडीओ नहीं चला सकते थे जी। वहां से पैसा वसूलेंगे आप जी, सी पोर्ट से वसूलेंगे जी, एयरपोर्ट से वसूलेंगे, डीआरडीओ इसरो का जो काम होता है वहां से वसूलेंगे। ये तो सारे संवेदनशील स्थान है स्ट्रेटेजिक रूप से। अब जो बेचने की बात कर रहे हैं उसका, जितने जितने भी तीन कंपनियां बनाई हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो एक्सेस लैंड, अब एक्सेस लैंड दिखाएंगे, जो एक्सेस लैंड मिलिट्री के पास में है जी, जो एक्सेस लैंड रेलवे के पास में, इन्हीं दोनों के पास सबसे ज्यादा जमीने हैं जी, उसका आकलन चल रहा है। अब तक बेच दिए होते, स्थितियां खराब हो गई, तो अब अगर 2024 में आ जाएंगे तो बेचेंगे, नहीं आएंगे तो बेच ही नहीं पाएंगे जी। अच्छा, फिर वापस ये जो जो हमारे संवेदनशील स्थानों को इन लोगों ने दे दिया है दूसरे लोगों को, चाइनीज लोगों को, वो हम वापस ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं जी, स्टेक बेच दिया इन्होंने, जिसको अच्छा, कहते हैं कि बेचा नहीं है, पैसा मिला है। अच्छा, ONGC का स्टेक बेच दिया इन्होंने, BPCL का स्टेक बेच दिया इन्होंने जी, HP का स्टेक बेच दिया इन्होंने, लीजिए स्टेक बोलते हैं जिसको, भागीदारी बोलते हैं जी, वो बेच दिया आपने।
ये कोई चीजें मैं ऐसे तो नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं अपने मन से कह रहा हूँ, ना मुझे इन चीजों की जानकारी थी। सबके सामने है, ठीक है, जब सबके सामने आता है तो मेरे भी सामने आ जाता है, ठीक है, बेवजह से जवाब देंगे। आपने 16 कंपनियों के स्टेक आपने बेच दिए हैं जी, तो अगर आपने बेच दिए हैं तो क्या इतने अयोग्य हैं कि 16 कंपनी चला सकते हैं आप जी? अब आज जहाँ से दुनिया भर घूमेंगे जी, मंत्रियों का जमावड़ा लगा देंगे जी, प्रचार दे देंगे एक एक साल में हजार हजार दो 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 हजार करोड़ रुपए का, लेकिन अपनी कंपनियां नहीं चलाएंगे अब, या संवेदनशील जो हमारे स्थान है उनको नहीं चलाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है रमन भाई। सुनील भाई आपकी क्या राय है, यहाँ पर प्रवक्ता सपा ने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं बीजेपी पर कि बेच दिए है, पीपीपी मॉडल पे दे दिए है, ये क्यों नहीं चला पा रहे हैं, ना आयात कर पा रहे हैं ना निर्यात कर पा रहे हैं, और यहाँ बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बड़े ब्रांड मिनिस्टर हो गए हैं, बड़ा नाम हो गया है, पूरे वैश्विक समुदाय में उनकी एक अलग छवि है। ये तो आप ही जी खुदे हथियार डाल रहे हैं, कह रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं विवेक जी को जी। एक अरे चुनाव लड़ने की शुभकामनाएं दे रहे हैं, सरकारी चुनाव लड़ने दे रहे हैं, चुनाव लड़ने की शुभकामनाएं दे रहे हैं भाई जी। नहीं, वो एक ही प्रकार से शुभकामनाएं दे रहे हैं विवेक जी को, और विवेक जी सही कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, जिस समय दूध पे जीएसटी लगाई गई आप कहां थे? अच्छा, आप कहां थे? सिलेंडर 1100-1200 हो गया। जी जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने, पेपर कहां था? ठीक है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैल गई, आप कहाँ है मानवर? महंगाई आसमान पहुंच गई, आप कहाँ है? लीजिए, जरा अपने वो दिन याद कर लीजिए जी, उत्तर प्रदेश में एक बार मुलायम सिंह जी ने दूध सड़कों बहा दिया था जी, मुझे लगा कि वास्तव में समाजवादी पार्टी जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है जी। आज ये हाल है कि दूध पे जीएसटी, खाने जीएसटी, अब किसी दिन ऐसा हो जाएगा रोटी पे जीएसटी लग जाएगी, आप जो रोटी खा रहे हैं उसका भी टैक्स दो। अच्छा, विपक्ष कहाँ है मेरे मित्र? विपक्ष कहाँ है? विपक्ष की तो भूमिका चाहिए, जनता की आवाज लेके सड़क पे आए जी, लाठी डंडा खाए। अच्छा, तभी जनता नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, चिंता खाए, लाठी डंडा नहीं खाएंगे। और कौन खाएगा डंडा? ट्वीट करेंगे, ट्वीट करेंगे। सबसे बड़ी आप विपक्ष चाहे कांग्रेस देख लीजिए, लाठी नहीं खाएंगे, डंडा नहीं खाएंगे, जेल नहीं भरेंगे, ट्वीट करेंगे जी। तो खाली ट्वीट करते रहिए, जनता भी कहती है हम भी जब वोट देने समय आएगा घर से बाय बाय कर लेंगे, वोट डालने जाएंगे जी। आप अपने एसी बुक कीजिए तो गर्मी में अपने छप्परों में बैठ करती। अच्छा, आज उसी परिणाम है कि 40% 30% लोग पड़ते हैं। अच्छा, जनता मित्र नेताओं से थक चुकी है जी, लेकिन वो स्थिति है, जाए तो जाए कहाँ, विकल्प नहीं मिल रहा। बहुत बढ़िया बात कही, विकल्प नहीं मिल रहा। बहुत बढ़िया बात कही सुनील भाई, वो जिसके पास जाती है वहाँ ठगी जाती है। ठीक है रमन भाई, रमन भाई आप कहाँ है, विपक्ष कहाँ है, फाइनल कमेंट सुनील भाई। बहुत बढ़िया बात बोले, मैं फाइनल कमेंट में बता दे रहा हूँ जी। ये जो पूरी प्रक्रिया, एक तो नया प्रचलन चला है भारत जी, में जी, कि सवाल विपक्ष से पूछा जाए। अच्छा, सवाल सरकार से ना पूछा जाए। अरे मैंडेट आपको तो मिला है भाई विपक्ष का, पूछते हैं लोकसभा में, पूछिए आप आइए तो जो पूछने की जो प्रक्रिया थी, लोकतंत्र है, अभी लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। आप सिंह जी, आप बड़े 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 आप बोलिए, सरकार है, विधानसभा बोलिए, वो आप पूछा सरकारों से, बोले कौन सरकार के लिए, उसके उसके माध्यम से पता लगता था जी। विपक्ष को तो विपक्ष निकल के आता था, जितने बड़े पत्रकार हैं जी सब पे जी देश विरोधी कानून लगा के या तो जेल में डाल दिया गया या परेशान कर दिया गया। अच्छा, विपक्ष ने अभी महाराष्ट्र में जितनी आवाज उठाई उतनी कहीं नहीं उठाई जा सकती है जी। जितने सारे आवाज उठाने लोग हैं सारे जेल में हैं जी, सारे के सारे लोग जेल में हैं जी। फिर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई, हमारे सबसे ज्यादा कार्यकर्ता जेल में है। रोड पर आइए, कह रहे सड़क पर आइए, कह रहे सड़क पर, सुनील भाई बोल रहे सड़क पे आइए। सपा लास्ट टाइम सड़क पर कब आई थी जी? आप आइए तो सड़क पे, लोगों साथ खड़े तो होइए कम से कम। विवेक श्रीवास्तव तो हमारे कर रहे हैं जी, आने नहीं चाह रहे के लिए जी। अगर आना चाहते होते तो चार सीट पे आप सिमट गए, क्यों सिमट गए? लीजिए, ठीक है रमन भाई जवाब दीजिए, आखिरी कमेंट आपका। क्या बोले उन्होंने? कहा है जी, सुनील भाई दोबारा पूछ लीजिए, सुनील भाई रमन दोबारा पूछ रहा हूँ। अगर आप सड़क पे जनता के लिए आते होते जी, आप पूर्व अपने स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री याद कर लीजिए, उनकी एक आवाज सड़कों दूध बहाई थी उत्तर प्रदेश में। आप रोड पे आइए, रोड पे आप आते कहाँ? और रोड पे आते होते तो मैं वही कह रहा हूँ कि 4-3 सीटों पे आप सिमट गए। कैसे सिमट गए? ये चिंतनीय विषय है समाजवादी पार्टी के लिए जी। ठीक है रमन जवाब दीजिए,
देखिए मुझे केवल एक ही क्लियर सुनाई पड़ा है कि रोड पे हम आते नहीं है जी। सुनील भाई को याद नहीं है जी, आतरस जी, रायबरेली जी, गोरखपुर जी, गाजीपुर जी, मेरठ जी, ये सारी जगह घटनाएं घटी थी जी, कहीं हत्या की थी कहीं बलात्कार की थी जी, लखीमपुर इसने भूल गया मैं जी, कौन सी जगह हम लोग। सुनील भाई कुछ बोल रहे हैं आपकी बात पर जी, सुनील भाई कुछ बोल रहे हैं क्या आप। जी मेरी आदत कभी भगवान के पास गड़बड़ाई नहीं है जी, मुझे हर दौर याद है और समाजवादी पार्टी के अच्छे और बुरे सारे कार्य मुझे मेरे दिमाग में है। लीजिए लीजिए, जो आपने अच्छा किया जो बुरा किया है वो मेरे दिमाग में, उत्तर प्रदेश जनता के दिमाग में है जी, आपने जनता के लिए क्या किया है जी। अच्छा ठीक है, नमन भाई जवाब दीजिए, आखिरी कमेंट आपका जी। आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा, आप बता दीजिए जी। बोलिए, बोल रहे हैं उन्हें सब पता है कि सपा ने क्या किया है, जनता के लिए क्या किया है, कैसे क्या किया, कैसे राज किया, उनको सब पता है। सुनील भाई बोल रहे हैं, सुनील त्रिपाठी। नहीं तो अगर ठीक पता है तो उनकी उनकी जानकारी को तो मैं कम नहीं करूंगा जी, तो उनकी जो उनकी जो जानकारी है जी। आपने स्वास्थ्य विभाग में अच्छा काम किया, पहाड़ों पे पंचायत को मैं दिया, चले हो गया, किसानों के लिए अच्छा काम किया। सुनील भाई हो गया, सुनील भाई हो गया, सुनील भाई हो गया जी। जो उनकी जानकारी है ठीक है जी, जानकारी है, हो सकता है अगर पत्रकार है, पत्रकार हमेशा अपनी जानकारी को अपडेट भी करता है जी, तो किसी की जानकारी पे प्रश्न उठाना हमारा काम नहीं है। लेकिन हम जहां अभी अभी आखिरी विधानसभा सत्र जो हुआ है, जिस तरीके से हमने सरकार का विरोध किया उस तरीके से कभी भी नहीं हुआ विरोध, तो हम विधानसभा से लेके सड़क सड़क पे क्या है? आपने हाउस के अंदर कहां किया? आप इसमें इसमें और एक हाउस के अंदर करिए, सड़क बनने से क्या फायदा है? मैं हाथरस की बात कर रहा हूं जी, हाथरस में पुलिस ने हमारे समय हो गया, समय हो गया, हमारे संगठन के जो प्रमुख सहयोगी है जयंत चौधरी जी, उनको डंडा डंडा पीट डाला जी, बिना सड़क पे उतरे हुए जी। तो ठीक है, आप हर आदमी का देखने का एंगल होता है, जैसे आजकल चार पांच बड़े टीवी चैनल है जी, उनको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है जी, तो जिसको जो दिखाई पड़ेगा वही बोलेगा। ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो बता भी रहे हैं आपको जी, वो समाचार पत्रों में भी दिख जाएगा, यूट्यूब चैनलों पे भी दिख जाएगा जी, तो हम करते रहेंगे। ठीक है, और ठीक है, जब आपको दिखाई पड़ जाएगा तो आप बोल दीजिएगा, जब तक नहीं दिखेगा। ठीक है, ठीक है, हो गया। विवेक श्रीवास्तव, विवेक भाई 80 सीटों की बात, मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की बात सूत्र बताते हैं, पर यहाँ पर जिस तरह से सुनील त्रिपाठी का आकलन है और प्रवक्ता सपा बोल रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी 50 सीटें लेके आ रही है, तो 80 सीट की जो संकल्प आपने लिया है पूरा कैसे होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर 14-19 का जो जो 14 से जो आपका ढाल शुरू हुई 19 में कम आए हैं उत्तर प्रदेश में, ये 24 में और कम ना हो जाए, तो कैसे देखते हैं और संकल्प को पूरा कैसे करेंगे? फाइनल कमेंट आपका। देखिए गौरव जी जी, मैं निराशावादी नहीं हूँ। अच्छा, आप 14-19 देख रहे हैं जी, पर 14-19 में दिल्ली की लोकसभा देख रहा हूँ जी, जहाँ हमारी सदस्य संख्या बढ़ी है। अच्छा, और पर मुद्दा है पास उत्तर प्रदेश 80 सीटों का है, मैं आपको ये भी याद दिला रहा हूँ जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आइए जी। जो 3 पे हैं वो 50 का सपना देख रहे हैं जी, जिनकी सदस्य संख्या लोकसभा में 3 है जी, वो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को देश से हटा देंगे जी, जिसकी 0 है वो भी कहता भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे जी, लेकिन देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, उसको खूब मालूम है कि देश किन हाथों में सुरक्षित है। अच्छा, और किन हाथों में देश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है जी, हम उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन गठबंधन के कारण जो हमारी 2-4 सीटें जो कम हुई जी, आगे चल के उस गठबंधन का क्या असर हुआ जी, जनता ने देखा, मतदाताओं ने अपने आप को छला महसूस किया। ठीक है, परिणाम समाजवादी पार्टी की 5 से 3 हो गई, 2 सीटें वो भी भाजपा के पास आ गई। अच्छा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इनकी परंपरागत सीटें आई जी, वो
संगठन में कार्यकर्ताओं का परिश्रम जी, नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता, ठीक, तमाम ऐसे कारण हैं जिनके बल पे हम ये संकल्प लेते हैं कि मस्ती की अस्सी जीत करके ठीक है हो गया। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा जोड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 सीटों का संकल्प की बात कर रही है, तो भाई समाजवादी पार्टी बोल रहे कि इस बार हम 50 सीटें जीत कर आएंगे और बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब फिलहाल यहाँ पर चुनाव है, महत्वपूर्ण है, संकल्प भी आएंगे, रणनीति भी आएंगी, बातें भी कही जाएंगी, जनता से अभियान भी चलाया जाएगा, संवाद भी स्थापित किया जाएगा, रैलियां भी होगी, जनसभाएं भी होंगी, बातें भी होगी और रणनीति भी बनेगी। पर यह फैसला जनता जनार्दन करना है और जनता जनार्दन यहाँ फैसला किसके पक्ष में देगी वो 24 के चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। पर फिलहाल यहाँ पर जनसभाओं से, रैलियों से, संवाद से, जनसंपर्क अभियान से, जनता के बीच में अपने आप को पहुँचाने के लिए बीजेपी रणनीति बना चुकी है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में विपक्ष भी ऐसी कुछ नीति बनाकर बीजेपी को पूरी चुनौती यहाँ देता नजर आएगा। परिणाम क्या होगा वो पता नहीं, पर एक बात स्पष्ट है कि 24 चुनाव बीजेपी के लिए बात करें या विपक्ष के लिए बात करें, बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस बार विपक्ष एक तमाम मुद्दों पर लामबंद हुआ है तो बीजेपी भी यहाँ पर कई राज्यों में चुनाव हारी है। तो सबक, अनुभव क्या लाएगा, परिणाम क्या आएगा, भविष्य के गर्भ में नहीं थे, पर एक बात स्पष्ट है 24 का चुनाव महत्वपूर्ण चर्चाएं जरूर लाएगा और चर्चाओं में स्पष्ट हो पाएगा कि इस बार किसको जनाधार जनता देगी, क्योंकि एग्जिट पोल आते रहेंगे पर यहाँ पर फैसला जनता जनार्दन करता है और जनता ही बताती है या क्लियर करती है, बैठाती है कुर्सी पर, हटाती है कुर्सी से, क्योंकि जनता का जो वोट होता है, जो जनाधार होता है, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जनता को जनार्दन कहा जाता है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।